तो वहीं कोरोना के कहर के बीच उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के हालातों का जायजा लिया और जिला कलेक्टर के शर्मा और एसपी आदर्श सिंधु समेत मेडिकल अधिकारियों से चर्चा की। सचिन पायलट ने सर्किट हाउस में भी अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम संबंधी प्रयासों की समीक्षा की। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमें मिलजुल कर एक साथ लड़ना है, कोरोना से लड़ रहे वॉरियर्स का सम्मान करें क्योंकि ये अपनी जान पर खेलकर हमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन के बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। दिनों में सामने निकल कर आए थे, इसकी जानकारी ली है। अभी कैसे हम रोक सकते हैं इसको देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू लगाया इसलिए है कि जो फैलाव है वो बिल्कुल रुक सके और सब लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, और कहीं पर अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो सारा समझाइश के साथ हम मामले को निपटा रहे हैं। सब पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, मेडिकल स्टाफ के अधिकारी जी जान से दिन रात इस काम में लगे हुए हैं और पूरा सहयोग जनता का भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी चुनौती को सब लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसलिए इसको इसका रुकाव करना पड़ेगा और अपने घरों में रहकर हम आज अगर सबसे बड़ी देशभक्ति करनी है तो अपने